मैं आपको एक बहुत कीमती गुर बताऊं जीने का, एक और बहुत कीमती आपको राज दूं जीने का। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों में कभी भी मुकाबला नहीं होता, कुछ रिश्तों में मुकाबला नहीं होता। मसलन माँ और बाप, बहन और भाई, आपके अजीज चचा ताए फूफे फूफियाँ, खूनी रिश्ते, ससुराल के रिश्तेदार, ये वो लोग हैं जिनसे मुकाबलेबाजी नहीं हो सकती। इन रिश्तेदारों में अगर आप मुकाबला करेंगे ना तो आप कभी भी जी नहीं सकेंगे, इनमें मुकाबले नहीं होते। भाई ने आपसे नहीं बोलता, ना बोले भाई तू तो बोल, वो उसका अमल है, तेरी तरफ से अच्छाई जानी चाहिए। बहन नहीं बोल रही, तू बोल ले, तू जाके बात कर ले, तेरी तरफ से अच्छाई जानी चाहिए। शोहर तेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा तो तू तो अच्छी चल, बीवी तेरे साथ अच्छी नहीं चल रही तू तो अच्छी अच्छा रह। इन रिश्तों में मुकाबला नहीं कर सकते आप, और अगर आप इन रिश्तों में मुकाबला करेंगे आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। इसलिए कि ये रिश्ते ना छूट सकते हैं, ना टूट सकते हैं, ना ये कभी जाया हो सकते हैं, ये दुनिया में मरते दम तक रहने। वो भाई भाई ही है जहां जिसके साथ तुम 10 साल से नाराज हो, वो भाई का रिश्ता नहीं टूटा। जब वो मौजूद है तो फिर मसला क्या है, या तो तेरे नाराज होने से रिश्ता टूट जाए तो समझ आती है। तो भाई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनको आप इन चीजों से निकाल दें, आपको जीने का सलीका आ जाएगा। इनमें मुकाबला ना किया करें, शोहर ने कम दिया क्यों दिया, ज्यादा दिया क्यों दिया, ये बहन ने इतना, मैंने देखो ईद बच्चों को दी इसने नहीं दी, और उसने सूट नहीं दिया मुझे नहीं दिया, फलां ने क्या दिया मुझे नहीं दिया। ये मुकाबले आप करेंगे ना तो दिल में कीना और हसद भर जाएगा, बुगज भर जाएगा। इन रिश्तों को इनसे आजाद रहने दें, इन रिश्तों को इनसे दूर रहने दें, ये कभी भी इनके मोहताज नहीं होते। इंशाल्लाह कह दो, अल्लाह तौफीक दे दे, ये बहुत बड़ी सआदत। अपना मामला देखें कि आपका क्या है, आप खुद अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, और अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो आप जितना मर्जी दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे वो कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए लोगों के पीछे ना भागें, अपनी तरफ ध्यान करें।